हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष तिहारी, ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन करते हैं, जिसके बारे में मैं बहुत पहले से बात करते आ रहा हूं, और अभी हजारों फार्मर्स हैं वो मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन कर रहे हैं, लेकिन आज का हमारा वीडियो है कि आप मुर्गी के साथ मछली पालन करते हैं तो कौन सी वो मछलियां हैं जिसको आप मुर्गी के साथ पालन कर सकते हो, क्योंकि मछली का चयन है वो आपके ओवरऑल प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रॉफिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कौन सी मछलियां हैं वो जो मुर्गी का जो पॉडी होता है, वेस्टेज होता है, उसमें अच्छे से वो पल सकती हैं, या फिर कौन सी मछलियाँ हैं जो वाटर पैरामीटर्स, चाहे वो डीओ हो, अमोनिया हो, चाहे पीएच हो, उसको अच्छे से टॉलरेट कर पाए, उसको सहन कर पाए, उसी हिसाब से ही हम लोग मछली का चयन करते हैं। वीडियो को बनाने के लिए मैंने लगभग 5 बड़े बड़े फार्मर लोगों से बात किया है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे इसके बारे में पढ़ाई भी करी कि कौन कौन सी वो मछलियाँ हैं जिसको मैं आपको बता पाऊँ। तो मैंने ऐसे 5-6 इंपॉर्टेंट मछलियां हैं वो आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन है वो पॉलीकल्चर सिस्टम के तहत ही पालन किया जाता है, क्योंकि अगर आप एक ही मछली का पालन करते हो तो वो आपकी मछली के ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होता, क्योंकि मुर्गी का जो पॉटी है दोस्तों, उससे प्लैंकटॉन का डेवलपमेंट होता है। तो मोस्टली जो प्लैंकटॉन ओवरस होता है, जो प्लैंकटॉन अच्छे से खाती है, उन्हीं मछलियों को हम लोग इसमें पालन करते हैं। बहुत सारे फार्मर भाई ये भी पूछते हैं कि सर कितने बड़े तालाब की ज़रूरत पड़ती है अगर हम लोग मुर्गी के साथ मछली पालन करना चाहते हैं। तो मिनिमम आपके तालाब का जो एरिया होता है दोस्तों, वो आधा से 1.5 बीघा, जो बहुत कम क्षेत्र है, उसमें भी हम लोग मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन कर सकते हो। इसके लिए हम लोग जो तालाब की गहराई है दोस्तों, उसको आपको मैक्सिमम 3 मीटर तक अपने पानी के लेवल को आपको मेंटेन करना है। मैं आपको नॉर्मल तालाब में बोलता हूँ कि 1.5 से 2 मीटर तक ही आप पानी को मेंटेन करिए, लेकिन यहाँ पर डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्या होता है, जब मछलियाँ जो मुर्गियाँ जो पॉटी करती हैं तो उससे ऑर्गेनिक लोड है वो आपके तालाब में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे अमोनिया गैस बहुतायत से फॉर्म होता है। इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा गहरा तालाब का उपयोग करते हैं आपके इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर में, ताकि मछली को थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिले और पानी है उसमें ज़्यादा वैल्यू में रहे, ताकि पानी जल्दी मत खराब हो आपके तालाब का। डालने से पहले हम लोग तालाब को थोड़ा सा तैयार करते हैं ताकि मछली को एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड किया जाए। तो सबसे पहले पानी भरने के पश्चात हमारा काम रहता है इसमें चूना डालने का। तो प्रति एकड़ आप 80 से 100 किलो चूना है आपके पीएच के हिसाब से आप अपने तालाब में डालिए। चूना डालने के पश्चात हमारा दूसरा काम होता है आपके मछली को स्टॉक करना। मछली को एक प्रॉपर संख्या में, प्रॉपर परसेंटेज में ही हम लोग तालाब में स्टॉक करते हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें मछलियों की, तो मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट मछलियां बताता हूं, और उसका प्रॉपर परसेंटेज में ही आपको स्टॉक करना है। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, इसके लिए मैंने तैयार किया हुआ है। अगर बात करें दोस्तों सरफेस फीडर की, जो तालाब के ऊपर में रहती है, तो उसमें आपकी सिल्वर कार और जो कतला मछली होता है, उसको आपको सिल्वर कार्प है उसको 35% की हिस्सेदारी में डालना है, और आपकी कतला मछली को 10% के हिसाब से ही आप अपने तालाब में डालिए। ये तो हुए सरफेस फीडर की। अगर बात करें मिडिल फीडर की, जो मिडिल में रहती है, उन मछली में आता है रोहू, उसको आपको 10% डालना है, और ग्रास कार्प इसको आपको 5% डालना है, और एक थाई सारपुट्टी करके भी मछली आती है, इस थाई सारपुट्टी को आपको 20% तक आप इसको डाल सकते हो। अगर बात करें आपके बॉटम फीडर की, जो नीचे में रहती है ना, नीचे में रहती है, उसमें आपकी मिरर कार्प, कॉमन कार्प, या फिर आप मृगल मछली, इन तीनों में से कोई एक मछली को आपको 20% के हिसाब से अपने तालाब में छोड़ना है। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल आपका 100% होता है ना, क्योंकि परसेंटेज में रखना है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके तालाब के क्षेत्रफल का अच्छे से उपयोग हो पाए, और आपकी मछलियों को भी अच्छे से स्पेस मिले, और वो जो मुर्गी का जो पॉटी होता है या फिर प्लैंकटॉन होता है उसको खा करके 0 रुपये के आपके फीड कॉस्ट में भी ये मछलियां हैं वो तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा आपको अपने तालाब की जो साफ सफाई है उस पर भी ध्यान देना है। तो आपको कम से कम समय समय पर आप उसको जो डिसइंफेक्टेंट आता है, चाहे केमनोफोर हो गया, चाहे आपकी फॉर्मलिन हो गया, उसको भी आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन 15 दिनों में एक बार तो आपको अपने वाटर पैरामीटर्स को जरूर चेक करना है। अमोनिया ज्यादा हुआ तो चाहे वाटर एक्सचेंज कर लीजिए,
चाहे आप उसमें फिटकरी को उपयोग कर लीजिए, बहुत सारे केमिकल आते हैं उसको उपयोग आप समय समय पर जरूर करिए। तो किसान भाइयों ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।